हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज दिल से। डे टू हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अभी अभी मैंने देखी फिल्म ताया। फिल्म थी संस्कृत लैंग्वेज में। जी हाँ, संस्कृत। इट्स रियली वेरी हार्ड कि हमें संस्कृत लैंग्वेज में फिल्म्स देखने के लिए मिलती हो अब सिनेमा घरों में, या फिर हार्डली फेस्टिवल्स में भी आपको शायद संस्कृत फिल्म्स अब देखने के लिए नहीं मिलती। 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इश्ती, डायरेक्टेड बाय मिस्टर जी प्रभा, डॉक्टर जी प्रभा। और कमाल की बात है कि आज जो मैंने फिल्म अभी ताया देखी है, विच मीन्स बाय हर, इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है डॉक्टर जी प्रभा ने ही। और ये उनकी सेकंड संस्कृत फिल्म है जो कि अभी 2021 में आई है, और काफ़ी फेस्टिवल्स में इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग और बाई चांस जो यहाँ लोगों ने बात की है उसके आधार पर भी 2016 के बाद अभी किसी फेस्टिवल में या किसी सिनेमा घर में कोई और संस्कृत फिल्म किसी और डायरेक्टर द्वारा नहीं बनाई गई या दिखाई गई। ये उनकी सेकंड फिल्म है और हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी आज स्क्रीनिंग हुई। ताया एक स्टोरी थी सावित्री की। सावित्री एक ऐसी महिला जो दर्द बयां करती है, और बहुत सारी महिलाओं की। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है उस कम्युनिटी में, जहाँ का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया फिल्म के अंदर। आपको अगर फिल्म किसी फेस्टिवल में देखने के लिए मिलती है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। बाई चांस फॉर्चुनेटली मैंने इश्ती भी देखी थी। मुझे ठीक से ध्यान नहीं कि मैंने किस फेस्टिवल में, हैबिटेट में तो शायद नहीं देखी थी, लेकिन मैंने वो देखी है। इससे पहले वो इफ़ी में भी प्रेजेंट हो चुकी है। 2016 में उसकी स्क्रीनिंग हुई थी इफ़ी में, और इश्ती मैंने देखी है, और आज ताया भी यहाँ पर देखी मैंने। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत इमोशनल फिल्म थी। एक औरत को एक उसके पति की मृत्यु के बाद, एक तो उसकी शादी कर दी जाती है, एक 18-20 साल की लड़की की शादी 75 साल के आदमी के साथ, बुज़ुर्ग के साथ, जिसकी ऑलरेडी दो बीवियां थीं, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के साथ समाज में क्या हालात, क्या बदसलूकियां की जाती हैं, किस तरह हर रात एक नहीं बल्कि कई अलग अलग पुरुष उसका संभोग करते हैं। सावित्री इसी के खिलाफ आवाज़ उठाती है, और जो एक सोसाइटी में एक वहाँ कल्चर दिखाया गया है ग्राम सभा का, उसके अंदर वो इस बात को उठाती है कि मेरे साथ किस किस ने दुर्व्यवहार किया है, दुराचार किया है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत अच्छे से बनाई गई फिल्म, और आई एम सो लकी कि मैंने उनकी सेकंड फिल्म, डॉक्टर जी प्रभा की सेकंड फिल्म है, और संस्कृत में मुझे तो सच में अभी तक कहीं कोई फिल्म देखने के लिए नहीं मिली है। आज संस्कृत फिल्म देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और फील किया कि हाँ, ये हमारी लैंग्वेज है, इसके ऊपर काम नहीं होता और हमें इस पर काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भाषा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी भाषाओं में, मतलब संस्कृत का उद्गम तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पुरानी भाषाओं में संस्कृत आती है, और संस्कृत से ही कितनी और भाषाओं में शब्दावलियाँ मिली हैं। तो सेकंड डे हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपको फिर से बताना चाहूँगा कि 15th ऑफ मई तक ये फेस्टिवल लोधी रोड इंडिया इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर में, हैबिटेट इंटरनेशनल सेंटर में चल रहा है। लोधी रोड दिल्ली में स्थित है ये। आप लोग आ सकते हैं, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिल्म का कोई चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन जाकर हैबिटेट की साइट पर आपको फिल्म फेस्टिवल के अंदर अपनी जो भी फिल्म आप देखना चाहते हैं उसको रजिस्टर करना होगा, और आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और बहुत ही बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी फिल्म्स की सिलेक्शन है यहाँ पे, और अभी 15th ऑफ मई तक यहाँ पर फिल्म्स की स्क्रीनिंग है। सो प्लीज़ डू कम वॉच इंटरनेशनल हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल एडिशन 3 2022। राज दिल से।